सी इम्पॉर्टेंट सवाल है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का, यानी पावर इक्वेशन या पावर कह लें या घातांक का समीकरण कह लें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए सब लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस अद्भुत ट्रिक और कंसेप्ट को देखें कि इसको कैसे हल करेंगे। इसको हल करने में लॉ ऑफ इंडिसेस का, घातांक का, पावर का, एक्सपोनेंट का, जितने नियम की ज़रूरत हुआ वो नियम हमने आपको लिख दिया, उसी नियम पर कैसे बनाएंगे इनको लेके आइए। 2 × 1/3 इनका पावर 2x ये बराबर हुआ 18, ये इसका मल्टीपुल है। इसका मतलब हुआ कि 1/3 पर पावर 2x बराबर हुआ 18/2, ये कैंसिल हो गया, ये हुआ 9। ठीक, इस 1/3 को, इस फॉर्मेट को, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो क्या हुआ 3 पर पावर 1 और उसका पावर 2x ये बराबर 9। 9 को लिख सकते हैं 3 पर पावर 2। अगर देखने में दिक्कत होता है तो ऐसे देखिए, अब इसको क्या हुआ ये देखिए, ये फार्मूला देखिए, अगर पावर पर पावर है किसी भरी उनके तो वह आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, ये 3 पर पावर 2 रहेगा। अब यहाँ देखिए, अगर दो वेरिएबल का बेस बराबर हो तो पावर भी आपस में बराबर होता है। यहाँ बेस 3 3 दोनों बराबर है तो इनका जो पावर होगा वो भी आपस में बराबर होगा। इसका मतलब हुआ कि -2x ये बराबर होगा 2। इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू निकालेंगे तो 2/-2, ये -2 -2 कट जाएगा, यानी x बराबर -1। फाइनल ये हुआ कि x का वैल्यू इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में 1 के बराबर होगा। 3 सेकंड में बना के इस सवाल को आप निकल सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।